बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं मगरिब की हम ABCDEFG। अब ना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। सारी बेशर्मी दार है। वाह वाह वाह। और हिंदी उर्दू इंग्लिश किसी लफ्ज में कोई फर्क नहीं किया, बस मैंने एक बात कहने की कोशिश की है। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर इस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। गांव शहर हो, होटल हो, मंदिर हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो, कूल हो। इससे भी बढ़कर भद्दे पास सुनाई देते हैं, बेटे तक अब अपनी माँ को हाय डियर कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है। चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है, उम्र कोई भी हो केवल बस औरत होना काफी है। जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है, हर रिश्ता एक दाग बना है खून हुआ है अब पानी। ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी, टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी जिम्मेदार, क्योंकि बच्चियों को तो नहीं कसूरवार ठहरा सकते कि इन्होंने ऐसे कपड़े पहने और इन्होंने कोई वल्गर बात की है। अब देखिए मैं वजह बता रही, सुनिए। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। फिल्में हो, मोबाइल हो या के फिर इंटरनेट हो, नॉन वेज मैसेज चलते सब चाहे वल्गर चैट हो। ये कैसा मैनर कल्चर, एडवांस हुई एजुकेशन, कम कपड़ों में फख्र करे गाली देना माने फैशन। फिल्मों से लेकर खबरों तक सिर्फ मसाले बिकते हैं, जिस्म जले एक औरत का तब इनके चूल्हे जलते हैं। औरत को एक चीज बना बाजार यहाँ पर सजते हैं, इनको देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं। सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं। इस सारी इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए हम लोग किन किन की आजकल पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, सर पर बिठाते हैं। जो लोग जितने बदनाम हैं, जितने खराब हैं, वो स्टार है। मीडिया उनके पीछे भागता है, लोग उनके पीछे भागते हैं। शराफत की कोई कदर नहीं है। तब एक बात कहने की कोशिश की है, ऐसा लगता है कि अब ये अपना भारत देश नहीं, बस केवल शिक्षा मिलती है पर अच्छा संदेश नहीं। कब बच्चों को एक भी नैतिक पाठ पढ़ाया जाता है, बस कैसे आगे बढ़ना है ये समझाया जाता है। जहाँ बुरा हीरोइन हो, पाप जहाँ पर नायक हो, उसको उतनी शोहरत मिलती जो जितना नालायक हो। पाप पुण्य का फर्क इन्हें जब नहीं कोई समझाएगा, खौफ कहाँ ऊपर वाले से, फिर ये इंसान खाएगा। जम के इनके आदर्श भी गुंडे डाकू से किरदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। और देखिए एक बात और कहने की कोशिश की है कि पश्चिम जो मगरिब है उसने ये बोला है कि आप हिंदुस्तान में मत जाइए। चाइना मलेशिया ने अपनी औरतों को यहाँ जाने से मना किया है। जहाँ से बुराइयां आई हैं वो कहते हैं कि हमारी औरतें हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। तब एक बात कहने की कोशिश की है कि औरत की इज्जत करना हर धर्म हमें सिखलाता है। औरत का इतिहास यहाँ पर एक सुनहरी गाथा है। ये झांसी रजिया इंदिरा माया ममता की नगरी है, मदर टेरेसा छोड़ के अपना देश यहाँ आबस्ती है। आज उसी धरती ने अपनी साख जहाँ में खो दी है, खुद मगरिब ने हिंदुस्तान को ऐसे लानत भेजी है। कैसे कुछ इंसान यहाँ शैतान बने जी हैरत है। सख्त नहीं कानून यहाँ, क्या नेता भी बेगैरत है। क्या रातों में सोई रहती पुलिस और पहरेदार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं।